ए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ए जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है तुम्हें, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। नमस्कार, सक्सेस एरिया के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्की रंजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे DPSP की, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसे संविधान के भाग कितने में रखा गया है, कहाँ से किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद जो है इसकी चर्चा हुई है, ये सब सारे चीज़ों को। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप भी जानिए नीति निर्देशक तत्वों को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल है कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों, संविधान का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहा जाता है। सभी के लिए बराबर कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। और इस संविधान में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि संविधान है क्या। तो दोस्तों, संविधान जिस प्रकार से हम लोगों का बुक होता है, उसी प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए एक बुक मिला हुआ है, और वही बुक जो है भारत का संविधान है। उसमें सारी चीज़ों की चर्चा है कि हमारा देश जो है कैसे चलेगा, यहाँ के लोग जो हैं उनका शासन जो है इस पर कैसे स्थापित होगा, सारी चीज़ों की चर्चा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान का मतलब होता है सभी के लिए बराबर कानून को ही हम लोग संविधान कहते हैं। और उस बुक का नाम क्या है दोस्तों? इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हम लोग भारत के संविधान के बारे में जानते हैं, और इसमें दो चीज यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाग हम लोग किसे कहते हैं और अनुच्छेद किसे कहते हैं। भाग और अनुच्छेद दोनों चीज़ों को समझना जो है बेहद ज़रूरी है। हम लोगों ने देखा कि एक बुक है और बुक में लेसन भी होते हैं। दोस्तों, बिना लेसन का कोई बुक होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जो लेसन है दोस्तों, इसी लेसन को हम लोग भाग कहते हैं, यानी जो पाठ है बुक में उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहा जाता है। और हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि चैप्टर में टॉपिक वाइज करके लिखा रहता है, सारी चीज़ें जो है वह टॉपिक वाइज में रहती है, और यही टॉपिक को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाग का मतलब क्या होता है। इंडियन पॉलिटी बुक का जो चैप्टर है उसको हम लोग भाग कहते हैं, यानी जो भारतीय संविधान को चैप्टर वाइज में बांटा गया उसे भाग कहा जाता है, और उस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं उसको क्या कहा जाता है? अनुच्छेद कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है इसको भाग चार में रखा गया है। दोस्तों, कितने में रखा गया है? भाग चार में। और भाग चार यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वह नीति निर्देशक तत्वों की ही चर्चा है। आइए हम लोग सारे अनुच्छेद के बारे में जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसे भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। दोस्तों, भारत जो है वह कहाँ से लाया? तो आयरलैंड के संविधान से इसको लाया है। और यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो दोस्तों, आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लाया। भारत आयरलैंड से लाया, और आयरलैंड जो है वह कहाँ से लाया था? तो स्पेन के संविधान से लाया था। दोस्तों, ये जो तत्व है वह देश के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है वह भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है उसे भी हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, सारी चीज़ें जो है वह क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने साथ कॉपी और कलम जरूर रखिएगा, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार जो थे उनका नाम आप लोगों को पता होगा, बीएन राव थे। बीएन राव जो थे वह चाहते थे कि भारत के लोगों को दो प्रकार का अधिकार दिया जाना चाहिए, दो तरह का अधिकार जो है वह हम देना चाह रहे हैं।
कौन कौन सा दो तरह का अधिकार? एक अधिकार ऐसा जिसे तुरंत दे दिया जाए, जो बेहद ही जरूरी है, जिसे तुरंत प्रदान किया जाए। दोस्तों इसको भाग तीन में रखा गया, इसको कहाँ पे रखा गया? भाग तीन में रखा गया, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। चलिए तो ये था, ये समझ में आया कि जिसे तुरंत प्रदान किया जाए, और एक था कि जिसे बाद में देना था, कि अभी नहीं इसको लागू करेंगे, बाद में देंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे देंगे। लेकिन ऐसा क्यों, एक बार ही दोनों जो है वह क्यों नहीं प्रदान किया जा सकता था? तो ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान बनते समय सरकार के पास जो है इतना धन तथा संसाधन नहीं थे जो लोगों की क्या कर सके, उपलब्ध, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं वह उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार के इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया कि जब सरकार के पास संसाधन जो है वह उपलब्ध हो जाएंगे, जब सरकार के पास धन जो है वह उपलब्ध हो जाएंगे, तो सरकार जैसे जैसे चाहेगी वैसे वैसे इस कानून को क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। इसी को दोस्तों DPSP कहा जाता है, यानी सरकार की इच्छा के अनुसार इसे छोड़ दिया गया कि सरकार जो है इन अधिकारों को अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। इसी कारण KT शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। चेक क्या होता है? चेक में जो ग्राहक होते हैं उसके अनुसार से पैसा का भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि यह जो है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान जब बैंक चाहेगी तब अपनी इच्छा अनुसार से कर सकती है। दोस्तों अंबेडकर जो हैं उन्होंने क्या कहे, तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो है वह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उन्होंने कहा, लोक कल्याण की बात की। किसकी बात की? लोक कल्याण की बात की। लोक कल्याण, और किस प्रकार का लोक कल्याण? तो सामाजिक और आर्थिक लोक कल्याण। लेकिन जब हम लोग न्याय की बात करेंगे, नीति निर्देशक तत्व जो है वह तीन प्रकार के न्यायों की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। लेकिन जब लोक कल्याण की बात करें हम लोग तो सामाजिक और आर्थिक। अम्बेडकर ने इन्हें ये जो है नीति निर्देशक तत्व उसको क्या कहा? लोक कल्याण कहा। और KT शाह ने इसे क्या कहा? तो एक ऐसे चेक के समान कहा जिसका भुगतान जो है बैंक अपने इच्छा अनुसार कर सकती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कि हमारे देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र जो है उसको स्थापित किया जा सके। और न्याय की अगर बात करें तो कैसा न्याय स्थापित किया जा सके? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय जो है वह तीनों प्रकार के न्याय जो हैं वह स्थापित किया जा सके। चलिए अब हम लोग इसके सारे जितने सारे अनुच्छेद हैं उसको हम लोग देखते हैं। भाग चार में अनुच्छेदों की संख्या जो है वह 36 से लेकर 51 तक है, तो बारी बारी से सबको हम लोग जानते हैं, समझते हैं। अनुच्छेद 36 जो है वह क्या बताता है? तो राज्यों की परिभाषा देता है। दोस्तों हम लोग राज्य किसको कहते हैं? तो राज्य जो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं कर सकता है, उसे निकाल सकता है, उसको सैलरी दे सकता है, और जिसका अपना एक ज्यूरिडिक्शन पावर होता है, यानी एक ऐसा अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें वह न्याय जो है वह खुद से कर सके, उसकी एक सीमा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं राज्य। दोस्तों राज्य का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जो भी राज्य हैं उसकी चर्चा नहीं है। राज्य किसी भी संस्था को हम लोग बोल सकते हैं जो क्या कर सकता है, अपनी कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। जैसे बिजली विभाग, बिजली विभाग की अगर बात करें तो वो भी एक प्रकार का क्या है? राज्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वह भी एक प्रकार का राज्य है। केंद्र सरकार की जो भी जॉब्स हैं, जो भी नौकरियां हैं, वो सब क्या है? तो वो सब भी एक राज्य के अंतर्गत आती है। हमारे जितने सारे राज्य हैं जिसकी एक कर्मचारियों की नियुक्ति करने की क्षमता है, उसे निकाल सकती है, वो सब भी राज्य हैं, जितने सारे 28 हैं वो सब। चलिए दोस्तों तो ये जो है अनुच्छेद 36 वह राज्य की परिभाषा देता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 जो है वह क्या करता है? राज्य की परिभाषा देता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जो है 37 क्या है? तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। दोस्तों
न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्फोर्समेंट। इम्फोर्समेंट, इम्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जबरदस्ती फोर्स करके लागू नहीं करवा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी वाद विवाद, कोई भी तर्क वितर, कुछ सारा चीज नहीं दिया जा सकता है। जब जो सरकार है, जब उसको मन करेगी तब जो है हमें ये जितने सारे यहाँ पे अधिकार दिए हुए हैं वो सबको प्रदान करेगी। उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इसे अभी करना ही है तो करना ही है। इसे न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी न्यायालय जो है वह इसके ऊपर कोई भी वाद विवाद नहीं करेगी। चलिए दोस्तों, ये समझ में आ गया कि न्यायालय के ऊपर हम लोग कोई भी जो है वह वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, कोई भी केस मुकदमा नहीं चला सकते हैं कि सरकार जो है वह इस प्रकार से क्यों कर रही है। वह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। चलिए, तो ये जो है इन्फोर्समेंट, हम लोग जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं। 38 क्या है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 जो है वह लोक कल्याण के अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतिक न्याय जो है, ये सब सारी चीज़ें जो है वह कौन प्रदान करेगी, सरकार का जिम्मेवारी है कि लोक कल्याण का भी कार्य करेगी। सरकार जो है वह क्या करेगी, लोक कल्याण का कार्य करेगी, जैसे राशन कार्ड बनवाना, बहुत सारी पेंशन है उसकी सुविधा उपलब्ध करवाना। तो ये है अनुच्छेद 38 में, हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि राशन कार्ड जो है वह क्यों नहीं बन रहा है या फिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। सरकार जो है वह जब इसे चाहेगी तब लागू कर सकती है, यानी सामाजिक और राजनीतिक न्याय जो है वह प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में क्या है दोस्तों, तो समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है वह ज़्यादा काम करते हैं या फिर महिलाएं ज़्यादा काम करती है तो पुरुष वर्ग को ज़्यादा वेतन दिया जाए या फिर महिलाओं को ज़्यादा वेतन दिया जाए, नहीं, दोनों को जो है वह समान वेतन दिया जाए और दोनों को संसाधन जो है वह दोनों के लिए संसाधनों का उचित वितरण हो, यानी सारी चीज़ें, पीने की जो पानी की व्यवस्था है वह दोनों के लिए उचित हो, जो बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, वाशरूम्स हैं, सब सारी चीज़ें की व्यवस्था जो है वह दोनों के लिए हो, और जो कार्य है वह कार्य सीमा जो है वह दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, यानी बराबर समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधाएं भी होनी चाहिए। यह कहाँ पे है दोस्तों, इसका वर्णन तो अनुच्छेद 39 में है, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में। चलिए अब अनुच्छेद 39 क को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा कि ये जो क ख है वह क्या चीज़ है, तो क ख ये सब इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब हम लोग समझ लिए कि भाग का मतलब क्या होता है, तो भाग का मतलब चैप्टर होता है और अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं, ठीक ना। तो ये पहले से लिखा हुआ है, अनुच्छेद 39 मान लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद 39 है और इसमें अगर कोई हम लोगों को संशोधन करके कुछ नया चीज़ जोड़ना है तो उसमें तो नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए वह जो है भाग को भी परिवर्तित किया जाता है और अनुच्छेद को भी परिवर्तित किया जाता है। जैसे भाग चार का अगर हम लोग कर रहे हैं तो भाग चार का क में ही जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 39 का क, क अगर यहाँ भी जोड़ रहे हैं तो क यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। यही है मतलब, सीधा सीधा सिंपल अगर हम लोग समझें तो क ख किसके पहले लिखा हुआ रहता है, जो नए नए मतलब संविधान बनने के वक्त ये जो है नहीं था, इसे बाद में लागू किया गया है, बाद में लाया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 39 जो है वह क्या बोलता है क, कि निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता, निःशुल्क जो है वह विधि कानूनी सहायता जो है वह भी कैसी प्रदान की जाएगी, तो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और इसे जो है वह 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था उस समय लागू किया गया दोस्तों, 1976 में क्या है, तो निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता जो है वह कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। कब लाया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो ये था अनुच्छेद 39 का क हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन जो है वह कब, तो अनुच्छेद 40 दोस्तों इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वह किसका है, ग्राम पंचायतों का गठन में महात्मा गांधी का।
दोस्तों महात्मा गांधी जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के लोगों के लिए भी क्या होना चाहिए, एक कानून होनी चाहिए, ग्राम पंचायतों का भी क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। तो ये जो है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है या फिर उसके गठन की बात करता है, उससे जुड़े हुए सारे चीज़ों की बात करता है, कैसे उसका गठन होगा, कैसे ग्राम पंचायत जो है वह विकास करेगा, कैसे वो जो है अपना पंचायत को चलाएगा। जैसे दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि मुखिया का चुनाव हुआ, सरपंच का चुनाव हुआ और जितने सारे हैं जो पंचायत लेवल के हैं चुनाव, पंचायत चुनाव हुआ, उसमें ग्राम पंचायत जो है वह किसके तहत, तो अनुच्छेद 40 के तहत उसका गठन हुआ। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 41 की ओर। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम, शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों को साइकिल, यानी कुछ दशाओं में सरकार जो है वह सरकारी सहायता भी प्रदान करेगी, जैसे शिक्षा देगी, काम देगी, वृद्धा पेंशन वगैरह देगी, ये सब सारी चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 41 में इसकी चर्चा है। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। न्याय संगत कार्य का मतलब क्या होता है? उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य, उचित व्यक्ति के लिए उचित कार्य की व्यवस्था हो, यानी ऐसा नहीं कि कोई जो है बहुत पढ़ा लिखा है और उसे जो है बर्तन धोने का काम दे दिया जाए, तो ये जो है उसके न्याय संगत नहीं है। तो कार्य कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए और मनोचित दशा में होना चाहिए, यानी उसका जो दशा है वह उसके मन के उचित होना चाहिए, उसके मन के उचित होना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए। और दोस्तों क्या है तो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, इसका सबसे मेन मोटो है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराना। उसके बाद जब वह प्रसूति, जब वह गर्भावस्था में रहती है उस समय उसको तो 6 महीना पहले जो है वह छुट्टी दे दिया जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है वह अनुच्छेद 42 के तहत इसका वर्णन किया गया है कि उस जिस समय महिला जो है वह गर्भवती रहती है उस समय वह कठोर शारीरिक श्रम नहीं कर सकती है, और कठोर शारीरिक श्रम नहीं कर सकती है यानी उसको जो मनोचित दशा है वह प्रदान किया जाना चाहिए, उसके मन का जो उचित दशा है वह प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो ज़बरदस्ती काम करना ही है, 12 घंटा 8 घंटा जो भी है वह ज़बरदस्ती करना ही है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। और ये जो है सब राज्य तो लागू नहीं किए हैं, लेकिन ये जो प्रसूति सहायता है इसके लिए सारे राज्य लागू कर दिए हैं, ये न्याय संगत और मनोचित दशा अभी भी लागू नहीं हुआ है। गोवा जो है दोस्तों, गोवा ये सब में आगे है, गोवा जो है न्याय संगत कार्य, मनोचित दशा और प्रसूति सहायता ये सब सारी चीज़ों को उपलब्ध करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 43 की ओर। अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, जैसे कुटीर उद्योग का स्थापना वगैरह, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दोस्तों निर्वाह योग्य मजदूरी अथवा इतना वेतन में उसको मिलना चाहिए कि वह परिवार आसानी से चला सके। इससे पीछे अगर हम लोग अनुच्छेद जो है वह 23 की चर्चा करें तो 23 में भी यह चीज़ बताया गया था कि किसी से हम लोग बालात श्रम जो है, जबरदस्ती श्रम अथवा बेरोजगारी, यानी बिना वेतन का काम हम लोग नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन उस समय जो है वह वेतन दिए जाने की बात की थी कि वेतन दिया जाएगा, बिना वेतन का हम लोग कार्य नहीं करा सकते, लेकिन वेतन कितना मिलेगा यह जो है निर्धारित नहीं था, यह जो है निर्धारित नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 43 जो है वह कहता है कि उसको वेतन देना तो जरूरी है, वह किसके, अनुच्छेद 23 के अनुसार, लेकिन इतना वेतन देना जरूरी है कि वह परिवार अपना चला सके, यही अनुच्छेद 43 है दोस्तों। अनुच्छेद 23 जो है वह बोल दिया कि वेतन देना ही पड़ेगा, बिना वेतन का हम लोग कार्य नहीं करा सकते हैं, जबरदस्ती श्रम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कितना वेतन दिया जाए तो इतना वेतन दिया जाए ताकि उसका परिवार आसानी से चल सके, इसी को दोस्तों किस में रखा गया है तो अनुच्छेद 43 में रखा गया है। चलिए ये समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 43 का क। अनुच्छेद 43 का क में क्या जोड़ा गया दोस्तों, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।
कि अनुच्छेद 43 का क जो है वह किसकी बात करता है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। यानी जब कोई भी उद्योग है वह अपना प्रबंधन कर रही है, अपना कुछ भी काम कर रही है, तो उसमें काम करने वाले लोगों की भागीदारी जो है वह सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी मान के चलें कि अगर हम लोग कोई छुट्टी का निर्णय ले रहे हैं तो सारे लोगों से पूछना जरूरी है कि क्या ये जो छुट्टी है वह लिया जाए या नहीं लिया जाए। और ये जो है सारे संस्थाओं के लिए भी उचित माना जाता है। जैसे अगर हम लोग स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हमारे जो शिक्षक होते हैं वो सब क्या करते हैं, हमारी भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करते हैं कि ये हमसे जो है वह राय लेते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 43 जो है वह इसी चीज की चर्चा करता है कि उद्योग प्रबंधन में जितने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनका भी बात जो है वह माना जाए, उनसे भी राय लिया जाए। दोस्तों चलिए अनुच्छेद 43 की ख की बात करते हैं। इसमें सहकारी समिति कोऑपरेटिव की बात हो गया है। इसमें क्या बताया गया, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि लोग जो हैं वह अपने संगठन बनाते हैं, अपने समूह बनाते हैं, और वही संगठन समूह जो है उसके ऊपर सरकार की नज़र रहती है और वो संगठन या समूह जो है वह लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। जैसे हम लोग बात करें कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ये दोस्तों क्या है, तो यह 20 से 25 लोगों का एक समूह है, सहकारी समिति है, जो क्या करती है लोगों को जितने सारे जो हैं वह सुविधाएं प्रदान करने का काम करती है। लेकिन उसके ऊपर नज़र कौन रखता है, सरकार नज़र रखती है। सरकार क्यों, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा अनुभव होता है, उसे पता है जैसे बैंक जो है किस प्रकार से काम कर रही है, सरकार को ज़्यादा जो है अनुभव है और यह बताती है कि हाँ ये जो आप लोन इतना परसेंट में दे रहे हैं सही है कि नहीं है, इतना परसेंट आप लोगों को देना चाहिए ताकि लोगों को जो है वह सहायता मिल सके, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ये सब जो है अनुच्छेद 43 का ख में सहकारी जो समितियाँ हैं उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 44 क्या बोलता है दोस्तों, अनुच्छेद 44 बोलता है कि समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों के लिए विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया, ये सब सारी शर्तें जो है वह समान रहेगी। देखिए इसमें है कि विवाह और तलाक गोद की सारी शर्तें ही समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग अलग हो। दोस्तों क्या है कि हिंदू धर्म में अलग प्रकार का विवाह होता है, मुस्लिम धर्म में अलग प्रकार से विवाह होता है, ईसाइयों में अलग प्रकार से विवाह होता है, लेकिन विवाह अलग अलग होते हुए भी अगर कोई तलाक लेना चाहता है, अगर कोई तलाक की बात करता है तो सबके लिए समान सिविल संहिता है, यानी सबको कोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों 3 तलाक जो है उसे भी ख़त्म कर दिया गया ताकि इसे समान सिविल संहिता में शामिल किया जा सके कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भी तलाक 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 बोल करके तलाक नहीं दे सके, उन्हें भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े। दोस्तों तो ये जो है भले ही विवाह की रीतियाँ अलग अलग है, कुछ भी है, कैसे भी विवाह किया है, लेकिन जब हम लोग उसको तलाक अगर देना चाहते हैं तो हमें जो कानूनी प्रक्रिया है, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया है, उससे गुजरना ही पड़ेगा। उसके बाद जितने सारे हैं, जैसे कोई गोद लेना चाह रहा है तो गोद लेने के लिए भी उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है कि जो भी व्यक्ति गोद ले रहा है अपने से 21 साल छोटे को गोद ले सकता है, 21 साल छोटा होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 44 में वर्णन है। अनुच्छेद 44 के तहत हम लोग पढ़ते हैं समान सिविल संहिता, और ये जो है सरकार बहुत ही जल्द हमको लगता है ले आएगी समान सिविल संहिता। दोस्तों इन्हें तो सब राज्य जो है वह लागू नहीं किया है, गोवा जो है इसे क्या कर दिया है, लागू कर दिया है दोस्तों समान सिविल संहिता को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट थोड़ा सा देख लेते हैं। नोट सिविल संहिता हम लोग देख लिए, संहिता का मतलब क्या होता है तो दंड संहिता, संहिता का मतलब क्या होता है कानून, संहिता का मतलब क्या होता है कानून, तो समान कानून को समान संहिता हम लोग देख लिए। उसके बाद दंड संहिता क्या है, तो अपराध के लिए जो कानून बनती है दोस्तों उसको हम लोग दंड संहिता कहते हैं, अपराध के लिए जो कानून है उसे हम लोग दंड संहिता। और आचार संहिता क्या है दोस्तों, तो चुनाव के जो कानून है उसको आचार संहिता कहा जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने पंचायत चुनाव में देखा होगा आचार संहिता, यानी चुनाव के जो कानून है उसको आचार संहिता कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 की ओर, 44 हो गया था, 45 देखते हैं। 45 में क्या है
कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों यहाँ पे बात हुई अनुच्छेद 45 में कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा वह कौन रखेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने सारे बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा जो है वह प्रदान किया जाना चाहिए। यह भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों ये जो है 6 से 14 जो हमारा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, यह जो है अब जोड़ कब दिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और ये 2002 में इसे 21 का जो क है अनुच्छेद उसमें जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो है वह देने का काम कौन करेगी, सरकार करेगी। 86वां संविधान संशोधन करके इसे कहाँ पे जोड़ दिया गया, 21 के क में जोड़ दिया गया। यानी 21 के क में क्यों जोड़ दिया गया, तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो है सरकार कभी भी लागू कर सकती है, उसके ऊपर हस्तक्षेप हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई कानूनी सहायता नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको 21 के क में जोड़ दिए तो वह हमारा मौलिक अधिकार हो गया। दोस्तों क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, यानी शिक्षा का अधिकार। तो उसके तहत वो जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को अगर सरकार निःशुल्क शिक्षा नहीं दे रही है तो उसके ऊपर हम लोग कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। इसीलिए इसे यहाँ से कहाँ पे जोड़ दिया गया, तो अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया, कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये समझ में आ गया। नोट देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 क में जोड़ दिया गया। शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग फर्क समझ चुके हैं कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोनों में क्या अंतर है, दोनों अधिकार ही हैं लेकिन दोनों अधिकारों में क्या अंतर है वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अनुच्छेद 46 देखते हैं। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है। ये आरक्षण जो है अनुच्छेद 46 के तहत हम लोगों को मिलता है। और अनुच्छेद 46 में यह भी है कि सरकार जो है, सरकार के ऊपर ज़बरदस्ती जो है वह हम लोग इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। सरकार को अगर मर्जी होगी तब वह SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण प्रदान करेगी। लेकिन समाज को देखते हुए, हमारे देश की स्थिति को देखते हुए जो सरकारें हैं वह SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान जो है वह किए हुए हैं। देखिए दोस्तों आरक्षण क्या होता है, आरक्षण का मतलब होता है कि जो ऊंचे लोग हैं धन संपत्ति के मामले में, सारी चीज़ के मामले में, और जो कमज़ोर लोग हैं, ये कमज़ोर लोगों को पहुंचाना इसके लेवल पे, तो यही है विशेष आरक्षण, इसीलिए प्रदान किया जाता है। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वह क्या करते हैं, आरक्षण का गलत उपयोग करते हैं, गलत तरीके से। अगर मान के चलते हैं कि कोई SC है और ये जो है SC ST है वह इतना कमज़ोर था लेकिन उसको सरकारी सहायता मिलते मिलते वह जो है एक अमीर हो गया, और अमीर होने के बावजूद भी अपने जाति के माध्यम से SC ST या फिर OBC कैटेगरी के माध्यम से वो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहता है। तो दोस्तों ये बराबर होने के बावजूद भी अगर चाह रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसीलिए दोस्तों SC ST OBC के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वह अच्छा तो है लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एक सीमित सीमा तक इसे अगर लागू किया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद जो है 47 की ओर। अनुच्छेद 47 क्या बोलता है दोस्तों, कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार जो है, सरकार का यह कर्तव्य है, सरकार जो है वह क्या करेगी, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाएं तथा शराब का प्रतिबंध लगाएगी। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो हम लोग कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यह किसके तहत, नीति निर्देशक तत्व के तहत हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसको।
आगे हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन या फिर दुधारू पशु जो हैं उनसे संबंधित बातें की गई है। ये कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित और दुधारू पशु से संबंधित सरकार जो है वह किस प्रकार से हमें मदद करेगी, किस प्रकार से सहायता करेगी। लेकिन सरकार जब चाहेगी तब, अगर नहीं चाहेगी तो हम लोग कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 48 का क क्या है दोस्तों? 48 का क में क्या जोड़ा गया? क है यानी नया जोड़ा गया होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या? तो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना हमारा जो है वह कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करें आप। अगर कोई इसका हनन कर रहा है, पर्यावरण का हनन कर रहा है, वन्य जीव वन तथा वन्य जीवों को हानि पहुंचा रहा है, तो आप उसके ऊपर कानून बना के लाएं और उसको जो है उसे सजा दें ताकि वह जो है इस प्रकार का काम नहीं करे। तो यह जो है कब? तो अनुच्छेद 48 का क में लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 76 में। अनुच्छेद 49 को देखते हैं। अनुच्छेद 49 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होगा कि हमारे जितने सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक, उनकी रक्षा जो है कौन करेगी? सरकार करेगी। यह सरकार का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 49 कहता है। 50 क्या कहता है? कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, इसे समझना बेहद जरूरी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका का मतलब होता है और न्यायपालिका का मतलब, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, विधायिका। विधायिका दोस्तों, विधायिका किसको कहते हैं? तो हम लोग नेतवन को विधायिका कहते हैं। जो हमारे देश के नेतवन हैं वो कौन सी हैं? विधायिका हैं दोस्तों। विधायिका का मतलब क्या हुआ? कि जो कानून बनाएगा उसे हम लोग विधायिका कहेंगे। कानून बनाने वाले को विधायिका कहा जाता है। उसके बाद आता है कार्यपालिका। तो ये जो कानूनवा बनाया नेतवन लोग, इसको लागू कौन कराएगा? लागू कराने तो नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। तो जो यहाँ का प्रशासन है वह इसे लागू कराएगा। तो प्रशासन जो है वह क्या हो गया दोस्तों? कार्यपालिका हो गया। जितने सारे जिले के डीएम, डीसी, एसपी सारे हैं, वो सब क्या कराएगा? तो कानून को लागू करवाएगा। तो ये हो गया कार्यपालिका। और ये जो न्यायपालिका जो है वह क्या करेगा? तो न्याय करेगा, यानी जो भी कानून का पालन नहीं कर रहा है उसे किस प्रकार से सजा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जो है न्यायपालिका करेगी। लेकिन अनुच्छेद 50 जो है वह क्या बोलता है? कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो कार्यपालिका से न्यायपालिका जो है वह अलग इसीलिए किया गया क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही हैं, समझिएगा दोस्तों थोड़ा ध्यान से, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है अगर एक ही रहे, तो एक हम लोग दरोगा का उदाहरण लेते हैं। दरोगा जो है वह क्या कर रहा है? नियम को लागू करवा रहा है, जो कानून बना उसको लागू करवा रहा है। लेकिन अगर कोई क्राइम करके गया और दरोगा उसको बोल रहा है कि बाबू तुम्हारा 20 लाख दे दे, 20 लाख ना देवे तो तोरा का करबो, हम जही से न्याय, मतलब हम ही तो न्याय दबो, कार्यपालिका हम ही लगियो, न्याय हम ही दबो। एकर मतलब क्या हो जाएगा? कि वो अगर नहीं देना चाहेगा 20 लाख, तो उसको जितना मारे पिटेगा, जो भी करने का मन करेगा, 50 लाख बोलेगा कि आप 50 लाख लग दो, नहीं तो तोरा हम ये चीज कर देंगे, फांसी दे देंगे। यानी अगर कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग नहीं होती तो जो भी शासन व्यवस्था है यहाँ का, जो भी हमारा प्रशासन है, वो अपने मनमानी करती, अपना क्या करती? मनमानी करती। जो भी इसको मन करता वो करती, जिसको सजा देने का मन करता देती, जिसको सजा देने का नहीं मन करता उसे नहीं देती। इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका का जो काम है वह सिर्फ क्या है? वह उसको बता देना है, उसको पकड़ लेना है कि ये जो है काम, ये जो है नियम को लागू नहीं कर रहा है, नियम को नहीं मान रहा है, उसको सजा देने का काम कौन करेगा? कोर्ट करेगा, यानी न्यायपालिका करेगी। इसीलिए दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया। अगर नहीं किया जाता तो आज का जो दरोगा है वो लगता है पूरा आधा गाँव को फांसी दे दिया होता। तो दोस्तों समझ में आया कि जो प्रशासन है वो अपनी मनमानी नहीं कर सके, इसीलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया। सोचिए उस समय के व्यक्तियों के पास कितना दिमाग था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय लोगों का जो सोच था वह कितना दूरस्थ था, कितने वह दूरदृष्टि के सोच रखते थे। ये जो है
आज के लोग, आज के नेता को अगर हम लोग बोल दें कि ऐसा सोच पाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि अभी सोच पाएगा दोस्तों। तो अनुच्छेद 50 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना है, अलग कर देना है। अनुच्छेद 51 देखिए, 51 जो है वह क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, और इसी अनुच्छेद के तहत भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों का बढ़ावा देना ये भी नीति निर्देशक तत्व है, ये भी एक प्रकार का अधिकार है दोस्तों। और इसमें सरकार का जो है फर्ज बनता है कि वह मध्यस्थता जो है करे, अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उसके बीच जो है मध्य का मार्ग चुने, मतलब उसके बीच जो है वह संबंध स्थापित करे, उसके बीच कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेगा यह किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अगर जब युद्ध होगी तो यहाँ के जितने सारे लोग हैं, जितने सारे नागरिक हैं, जितनी सारी जनता है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और ये जो है शांति स्थापित करने का काम कौन करेगा, तो वो जो है हमारा सरकार करेगा। चलिए दोस्तों, और इसी अनुच्छेद के तहत जो है भारत जो है यूएनओ का सदस्य बना हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देख लिया अनुच्छेद 51 तक, यानी 36 से लेकर 51 तक हमारा जो है वह कंप्लीट हो गया, नीति निर्देशक तत्व पूरा पूरा कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पर जाइएगा, SUCCES सक्सेस एरिया, इसे सर्च करना है, और सर्च करने के बाद एक लोगो आएगा दोस्तों, देख लेना है कि ये जो है हमारा लोगो है कि नहीं। दोस्तों लोगों में बता देता हूँ कि लोगो जो है हमारे चैनल का लोगो ये वाला है दोस्तों, तो इस लोगो को देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।